भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बुधवार को धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के समापन पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों के मन में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध उत्पन्न करना है। आज प्रयागराज में आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस प्रकार के आयोजन पूरे प्रदेश और देश में हो रहे हैं। प्रयागराज की इस आयोजन में ये भारी संख्या में हमारे युवा, हमारे अधिवक्ता, हमारे व्यवसायी, हमारे पार्टी से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए सभी लोग इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। तिरंगा यात्रा हाईकोर्ट के पास भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू हुई, जो सिविल लाइन स्थित पत्थर गिरजाघर, सुभाष चौराहा, बड़े हनुमान मंदिर होते हुए कंपनी बाग स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के पास पहुंची। यहां फूल समर्पित करने और नमन करने के बाद यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान लोगों का देश के प्रति भक्ति का जज्बा देखते ही बन रहा था। उप मुख्यमंत्री ने कहा, इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों के मन में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध उत्पन्न करके आगामी 25 वर्षों के संकल्पों को पूरा करने का प्रण लेना है। केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए फ्लैग कोड में भी अहम बदलाव किए हैं। यह तिरंगा यात्रा भारत की एकता को और मजबूत करने वाली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर यह संकल्प लेने का समय है कि जब हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाने का काम करेंगे, उस समय भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा। आज ऐसी परिस्थितियां देश के अंदर दिखाई दे रही हैं और इस समय हर घर तिरंगा अभियान की दृष्टि से यह जो जन जागरण अभियान चल रहा है, इसके कारण से मैं देख रहा हूं कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है और सब लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति, अपने संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि यह जो मुझे जिम्मेदारी उन्होंने दिया है, इस योग्य समझा है, इस जिम्मेदारी को मैं ठीक ढंग से निभाने की कोशिश करूंगा और यह जिम्मेदारी देने के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और एक कार्यकर्ता के नाते अब तक जो भी दायित्व मिला है वह काम किया हूं, आगे भी इस काम को भी करूंगा।